उन एंकरों ने कहा तो उनसे कहो कि अपने बाप, दूसरा सब तो मैं कह नहीं सकता, महिला है, कि अपने बाप से पूछ किसान का फसल का रंग हरा, भारत के तिरंगे का रंग हरा, तो फिर अपने बाप से पूछ कि तेरे झंडे का रंग हरा क्यों है। हाँ, जिस होटल में पिछली बार रुका था उसी होटल में इस बार रुका है। पिछली बार 20,000 लोग थे उसके होटल के बाहर, इस बार कितने थे मुझे ऐसा लगा 5 लाख पहुंच के दिखे थे। एक गार्ड, 2 पत्रकार, 4 ढोल बजाने वाले और 7वां आदमी नहीं था। सच्चाई देखनी है तो आर भारत देखी ना, आर सच्चाई देख। अरे यार किसकी बात करते हो, वो भारत है, अरे थूकता है भारत। मोदी जी ने गन्ना किसानों के लिए जो है काफी राहत की खबर दी है, जो कि शुगर मिल है उनकी, उन पे कुर्क होंगी उनकी संपत्तियां अगर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया तो। नहीं, कब तक? 14 दिन में ऐलान किया अभी। अरे यार ऐलान क्या होता है, पहले कहेंगे कुर्क करेंगे, अरे अगर मुख्यमंत्री है तो सीधा आदेश, 14 दिन में पेमेंट नहीं तो 15वें दिन DM उसको कुर्क करेगा, ये आदेश होने चाहिए, तब तो मानते भी। कितनी बार कुर्क करने के आदेश देंगे, 4.5 साल उसे हो गए, कम से कम 10 बार कुर्की के आदेश आ गए, आज तक कुर्क हुई? और कुर्क क्या करनी है, सरकारी संपत्ति घोषित करो, जो उसके मालिक है सीधे जेल भेजो, पता चलेगा। तो सीएम है, सभी के सभी जनता का हितों का ध्यान रखते हैं, ये एकदम इतना सख्त आदेश नहीं दे सकते ना। तो फिर काहे के CM है, काहे के CM है बताइए। देखिए आराम से आज बात करो, पहले ये बताओ CM साहब की 1 महीने की तनख्वाह बैलेंस है क्या, बताओ बैलेंस है कोई? नहीं है ना, तो फिर हमारे किसान की क्यों है, 1 साल का पेमेंट क्यों है? हम उनसे कर्जा मांग रहे हैं क्या, या हम भीख मांग रहे हैं? हम माल दे चुके 1 साल पहले और आज हम अपनी माल का पैसा मांग रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि वो बात नहीं करते, आप वो चिंता कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, अरे तो आपको तब भी बुरा लग रहा है भैया? ये चिंता नहीं है, ये लॉलीपॉप है, क्योंकि चुनाव आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, 15वें दिन फिर मेरे से बात कर लेना आके। अभी आप लोग यह सवाल उठा रहे थे ताऊ लगातार आप, कि यूपी की शिक्षा सुधार नहीं है, अब शिक्षा पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, योगी जी ने खुद कहा है कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए हम 12वीं की पढ़ाई तक जो है पूरा यूपी सरकार करेगी, उसके बाद जो है लैपटॉप दे रहे हैं उनको पढ़ने के लिए। देखिए मैं बता देता हूँ, एक गाजियाबाद में एक बच्चे हैं, 2, एक बेटी और एक बेटा, और वो बच्चे हैं कि जिन्होंने बिना कैलकुलेटर के आपको हिसाब बताते थे, राष्ट्रपति महोदय भी उसको अवार्ड दे चुके हैं और मुख्यमंत्री भी उसको बुला करके सम्मानित कर चुके हैं, गिनी वो लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उन बच्चों का नाम है, सचिन तेंदुलकर और ऐश्वर्या राय भी उन्हें इनाम वो कर चुकी है, सम्मानित कर चुके हैं, और आज वे दोनों बच्चे, क्योंकि उनके फादर एक्सपायर हो गए, आज वे दोनों बच्चे स्कूल की फीस नहीं दे पाए तो उनकी शिक्षा छूट गई। ऐसे प्रतिभावान बच्चे बिना शिक्षा के रह रहे हैं गाजियाबाद में, क्या है योगी जी को पता नहीं है? सारे कहते थे कि इन बच्चों की शिक्षा हम कराएंगे, NGO ने ठेका लिया, वो भी पीछे हट गया, क्या है ये? मैंने सोनू सूद से मांग की है कि क्या तुम्हारा फाउंडेशन इन बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम कर सकता है? अगर मेरे पास होते तो भाई मैं तो देता, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है कि जो 2, एक बेटा एक बेटी, जिनके बाप नहीं है और उनकी शिक्षा रुक जाए, क्योंकि ये तो देश की धरोहर है, और इतने बड़े बच्चे ज्ञानी कितना अच्छा देश के लिए करते और वो बिना पैसों के अभाव में शिक्षा से टूट गए। ताऊ आप सोनू सूद से मांग कर रहे हैं, वही सोनू सूद पर CBI के जाँच होती है और CBI छापे पड़ते हैं, उन पर तमाम एलिगेशन लगाए जाते कि वो गलत कर रहे हैं, आप उन्हीं से मदद मांग रहे हैं? बिल्कुल, अगर सोनू सूद नहीं होता इस देश में तो लगभग कई लाख लोग इस कोरोना काल में मर जाते हैं। वो देश का देशभक्त है सोनू सूद। सरकार को चिंता एक हुई कि एक देश का बेटा
वो हवाई जहाज पे उसकी फोटो छप गई और देश के झांसा राम की फोटो 5 किलो के अनाज के थैले पे छपी है, ये जलन है उनको। ये तो अनाज, इसलिए अनाज दिया जा रहा, अनाज से जनता, यूपी की जनता खुश है उस अनाज से। देखिए अनाज पहले नहीं दिया जाता था, बता कौन सी सरकार में देश को के गरीब लोगों को अनाज नहीं दिया जाता था। पर हाँ इस सरकार में एक काम हो गया कि पहली सरकारों में 40 करोड़ देश के अंदर गरीब थे, लेकिन इस मोदी ने आकर के 80 करोड़ देश में गरीब बना दिए, ये इसने किया। तब भाजपा के नेताओं ने ये कहा है कि एक मीटिंग में कहा ये कि पहले जो देश के प्रधानमंत्री होते थे उसके बड़े बड़े बच्चे तक नाम नहीं जानते, 3 साल का बच्चा भी देश के प्रधानमंत्री का नाम जानता है, ये भी एक बहुत बड़ी मोदी जी की खासियत है। देखिए बिल्कुल खासियत है, पहले किसी प्रधानमंत्री को आज तक इतनी गालियां नहीं पड़ी जितनी गालियां इस प्रधानमंत्री को पड़ी। वो 3 साल का बच्चा हो या 100 साल का बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति इसको गाली दे रहा है, ये बड़ी उपलब्धि है इसकी। किसान दे रहे हैं ना, और लोग तो नहीं दे रहे हैं, जो बच्चे बेरोजगार हैं, रोज लाठियों से पिट रहे हैं, जिनके कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, हॉस्पिटल नहीं मिला, वो कौन है? महिलाएं गालियां दे रही हैं कि 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, जब से ये नालायक प्रधानमंत्री आ गया 900 रुपए से ऊपर सिलेंडर मिल रहा है। तब ये कहा जा रहा है कि 21 और 22 तारीख को जो मोदी योगी जी ने दौरा किया है, रैलियां की हैं, उससे जनता का मन बदल गया है, बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है जनता का। फिर देखिए हाँ उस 21-22 रैली में तुम लोग भी गए थे दादरी में, आज तक का इतिहास है कि कोई मुख्यमंत्री आया हो तो देश की जनता को घुटना घुटनों गारा में चलना पड़ा हो, है? देखिए कौन सा इनमें ही होगा, ये देखिए मैंने इस पे देखा था, इस पे भाई कौन सा मेरे, अरे यार मैं बिना पढ़ा लिखा हूँ, चलो हाँ मैं इस पे ही था। अरे वो, अरे यार इंग्लिश के 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे पढ़े, ये देखो लिखा, अरे 2 अक्षर पढ़े वे भी उल्टे पढ़े। अच्छा तो उससे ये कहा जा रहा है कि फर्क पड़ा है काफी लोगों का। हाँ दाद यहाँ सिकंदराबाद में गए थे और सिकंदराबाद में बच्चों ने वीडियो डाली है कि वहाँ दिखाया कि सड़कें गड्ढों में है, गड्ढे सड़कों में है, आप क्यों नहीं गए? और जो कुर्सियों पे बैठे थे वो योगी भाषण दे रहा है और लोग बाग उठ के चले गए क्योंकि वो किराए किराए गए किसके, अगर मैं जाता तो योगी नहीं आता। किसका? वहाँ वो हमसे सवाल करने थोड़ा ही आ रहा था, सवाल करने हो तो चैलेंज है देश के प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को, समय रख ले, डेट रख ले और स्थान रख ले, जहाँ चाहे किसान के मुद्दे पर डिबेट कर ले। प्रधानमंत्री की बार बार अवहेलना करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी का अमेरिका गए, वहाँ पर देश का नाम रोशन किया उन्होंने, वहाँ वाहवाही हो रही है, देश का नाम हो रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री बाबू लाचन लगाते हैं। देश की नाक कटाने के लिए विदेश गया है, वहाँ वाहवाही नहीं हो रही है, देश की बेइज्जती हो रही है कि वहाँ के राष्ट्रपति ने और उपराष्ट्रपति ने इसके नाम से एक ट्वीट तक नहीं किया, वहाँ के अखबारों में, वहाँ के अखबारों में इसका कहीं जिक्र नहीं है। हमारे किसानों ने वहाँ पे काले झंडे दिखाए, गो बैक मोदी के नारे लगाए, भाग मोदी भाग, तो जहाँ जहाँ भागेगा किसान का ट्रैक्टर टैंक बन के इसका पीछा। इसलिए तो नाराज नहीं कि मोदी जी ने अमेरिका में किसानों की बात नहीं की, इसलिए नाराज है क्या? नहीं हम तो नाराज इसलिए हैं कि देश में रह के भी बात नहीं करता, तो विदेश में क्या करेगा? हाँ कई लाख लोग उसकी भीड़ में आए थे, वो भारत के चाटुकार पत्रकारिता है एक, वो ओम मोदी कौन है वो पलानी, हाँ ओम मोदी, उसने दिखाया है। अब तो आप नाम भी पत्रकारों के नाम बदलने लग गए। देखिए पत्रकार को मैं पत्रकार कहता हूँ, नाम मत, गद्दारों को मैं गद्दारों का नाम नहीं लेता। वो पत्रकार कहाँ है? वो पत्रकार नहीं है, वो दलाल है मोदी की। कभी कैसे कह सकते हैं? क्या कैसे कह सकते हो? दलाल नहीं है, अभी आप दलाल बोल कह रही है एक उससे, वो ढोल बजाने वाले से। हाँ। के आप देखिए, आपको पूरा भारत देख रहा है, मोदी आया है, कैसा महसूस कर रहे हो? उसने बता दिया कि मैं तो किराए पे आया हूँ, मुझे तो बुलाया गया।